साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के पहाड़पुर सड़क टोला गांव में घरेलू हिंसा को लेकर बरका मरांडी ने अपनी पत्नी संजली सोरेन की पीट पीट कर जान ले ली। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मृतिका के भाई भोजू सोरेन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं भोजू सोरेन की माने तो संजली सोरेन के पति बरका मरांडी शनिवार को बोरियो हाट पूजा के लिए बकरी लाने गया था। बकरी खरीदकर नशे की हालत में शाम को घर लौटा। इधर पत्नी ने भी शराब पी रखी थी। घर आने पर पत्नी को शराब के नशे में देखकर आग बबूला हो गया। इसी बीच दोनों में विवाद शुरू हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। बरका मरांडी ने लात घूसे से मारकर संजली सोरेन को अधमरा कर दिया। घायल अवस्था में संजली सोरेन ने गांव के ही तलु टूडू को अपने मायके में सूचना देने को कहा। सूचना मिलते ही देर रात उसकी मां अपनी बेटी के पास पहुंची और मारपीट की सूचना ग्राम प्रधान 40 मुर्मू को दी और डॉक्टर बुलाने को कहा गया। अधिक रात हो जाने के कारण डॉक्टर को नहीं बुलाया जा सका। सुबह 8 बजे बांझी के ग्रामीण चिकित्सक को दिखाया गया। वह दवा देकर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस घटना की जानकारी बोरियो पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही SDPO राजेंद्र दुबे, बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पांच समेत अन्य पुलिस बल घटनास्थल पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। पुलिस के द्वारा मृतिका के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल भेज दिया।